नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सनातनी और सहानुभूति कार्ड खेल रहे दिग्विजय, मतदाताओं को पत्र लिखकर की भावुक अपील। मध्य प्रदेश में दो कांग्रेसी दिग्गज सहानुभूति कार्ड खेलकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने पुराने संबंधों का हवाला देकर पुत्र नकुल नाथ के लिए वोट मांगा, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ के मतदाताओं से भावुक अपील कर रहे हैं। भाजपा भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। मप्र के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पुत्र और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए वोट मांगते समय जिस तरह अपने वर्षों पुराने संबंधों का हवाला देकर सहानुभूति का कार्ड खेला, उसी राह पर राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी चल रहे हैं। नामांकन पत्र जमा करने से पूर्व उन्होंने वादा निभाओ पद यात्रा निकालकर लोगों से संपर्क किया, तो अब सनातनी और सहानुभूति का कार्ड खेला है। वह मतदाताओं को भावुक अपील वाला पत्र भेजकर याद दिला रहे हैं कि उनका राजगढ़ क्षेत्र से संबंध 50 वर्षों से एक साथी और अभिभावक का रहा है। उन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांतों का हमेशा पालन किया, वोटों के लिए कभी अपने आराध्य के नाम का सहारा नहीं लिया। नर्मदा जी की परिक्रमा की और प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी पर पंजरपुर विच्छोपा के दर्शन के लिए जाता हूं। दरअसल भाजपा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण ठुकराने और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला बताकर दिग्विजय सिंह की घेराबंदी कर रही है। इसकी काट में उन्होंने यह पत्र भेजा है। छिंदवाड़ा की तरह ही भाजपा का विशेष ध्यान राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर भी है। इसका कारण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, जो हमेशा भाजपा के निशाने पर रहते हैं। दिग्विजय भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें घेरने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसलिए उनका प्रयास यह है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो जाए। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं में क्षेत्र के विकास की बात करने के साथ साथ सीएम रहने के दौरान अपने द्वारा करवाए कार्यों को ही याद दिला रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।